उम्मीदवार उम्मीदवार ने चोण लड़ी है वो तो सारी जितने वास्ते असी तो ये लुधियाने के सत्त कैंडीडेट ने सत्ता वास्ते मैं ये लड्डू ईद के लड्डू तैयार किए 5 किलो के 2017 के मुकाबले इस बार ऑर्डर साढ़े को पिछले मुकाबले इस बार ज़्यादा ने क्योंकि पार्टियां भी ज़्यादा ने असी साढ़े को ऑर्डर बहुत आए हैं पर अभी उन्होंने पूछते हैं तुम कि पार्टी तो आए हो सानू तो भाई असी अपने लड्डू बना के बेचने हैं खुशियां के उन्होंने वाधा करने के लड्डू बना के देने किलो जी सा अपनी दुकान से है जी वो 8-10 क्विंटल से सू अभी जो ऑर्डर आ चुके हैं इस तो वध की असी तैयारी होर की हुई है कि 9 तरीक भी हैगी 10 तरीक सवेर तो साढ़े को उम्मीद है भी पिछली बार भी लड्डू साढ़े को घट गए थे जी 2017 च इस बार उस तो बाद तैयारी की हुई हम जिम्मे गल करते कि कैंडेट लड्डू उन्होंने तोलते हैं कभी लड्डू उन्होंने तोलना अभी क्योंकि अजे लड्डू बनाया साढ़े भी कैंडीडेट तोलने नहीं विधानसभा चोणां हो के 10 मार्च उस दिन नतीजे आने लेकिन नतीजे आने तो पहला जो सर्वेक्षण आए हैं तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को बहुत लीड भी दिखाई है जिस 70 तो लैके 100 सीटा भी मिल रही ने तो हुण जिहड़े उम्मीदवार ने जां फिर पार्टी के जो वर्कर ने तो उन्होंने खुशी की लहर जरूर हैगी वख-वख पार्टियों के वल्लों ऑर्डर भी किए जा रहे हैं लेकिन अज्ज लवली स्वीट्स से असीं खड़े हुए हाँ और इत्थे एक लड्डू बनाया गया जिस दा लड्डू 5 किलो वेट का ये लड्डू है और एक किस दे झोली पऊगा इस दे बारे भी असीं गल्लबात करांगे साडे नाल इस वेले निरंपाल सिंह जी मौजूद ने पंजाब हलवाई एसोसीएशन के प्रधान ने सर बहुत स्वागत है तुहाडा सर अज्ज लड्डू बनाया जी 5 किलो रहे किहदे हिस्से विच जोड़ के तुहाडा देखो जी जिहदे भी उम्मीदवार उम्मीदवार ने चोण लड़ी है वो तो सारे जितने वास्ते असी तो ये लुधियाने के 7 कैंडीडेट ने सत्ता वास्ते मैं ये लड्डू ईद के लड्डू तैयार किए 5 किलो के पिछले 5 साल जी वधिया कारगुजारी की है लोगों ने उन्होंने चुनना आने वाले 5 साल वास्ते भी जोड़ा कि वधिया काम करेगा उन्हों लड्डू का स्वाद देखना पेगा जरूर पिछले मुकाबले इस बार ज्यादा ने क्योंकि पार्टियां भी ज्यादा ने असी साढ़े को ऑर्डर बहुत आए हैं पर अभी उन्होंने पूछते हैं तुम कि पार्टी तो आए हो सानू तो भाई असी अपने लड्डू बना के बेचने हैं खुशियां के बच्चे असी उन्होंने वाधा करने के लड्डू बना के देने पार्टी बारे नहीं पूछते असी कि पार्टी तो बिलोंग करते हो जिन्हें भी सपोर्टर है बाकी पार्टियां के सपोर्टर उन्होंने सानू खूब ऑर्डर दिए हुए हैं जोड़े कि असी नोट भी किए हुए हैं एडवांस भी सानू आए हुए हैं किलो कि सूट तैयार हो जो अपनी दुकान से है जी 8-10 क्विंटल से सू अभी जो ऑर्डर आ चुके हैं इस तो वध की असी तैयारी होर की हुई है कि 9 तरीक भी हैगी 10 तरीक सवेर तो साढ़े को उम्मीद है भी पिछली बार भी लड्डू साढ़े को घट गए थे जी 2017 च इस बार उस तो बाद तैयारी की हुई है लेकिन हम जिम्मे जित लड्डू तैयार किया हाँ जी कि पार्टी लगता थोड़ा भी हाँ भी इस बार लड्डू देना बनता भी है देखो सर्वेक्षण तुम भी देखे ने एग्जिट पोल के रिजल्ट तुम्हें भी पता ने इस बार साढ़े वास्ते तो सारे ही जितते हुए हैं क्योंकि असी तो एक मूँह मिठा कराने वाली साड़ी दुकानदारी हैगी है तो साढ़े वास्ते तो सारे ही जितने जी हलवाई एसोसीएशन की पंजाब के प्रधान चंगी तरह जानते हो तो भी बहुत सारी मुश्किल आई ने हम तक जो आने वाली सरकार हो उस तो पहले की बिल्कुल जी तो उन्होंने लैके जो मुश्किल आई ने जी पार्टी थोड़े लिए बेस्ट है साढ़े वास्ते कोविड के भी देखो जी बहुत वधिया सानू एक सपोर्ट मिली हुई है सरकार वालों सारी लोकल सानू एडमिनिस्ट्रेशन वालों भी बहुत वधिया सपोर्ट मिली थी जो असी सानू लॉकडाउन के भी सानू जो जो सानू फैसिलिटियां चाहिए थी जो जो उन्होंने सानू टाइम दिते ने उस मुताबक असी अपनी दुकाना खोल के एज पर रूल जो एडमिशन ने दिते थी सानू उस मुताबक दुकाना खोल के सानू एडमिशन मतलब पूरी सानू सपोर्ट मिली थी कोरोना काल के बीच सानू लेकिन हुण जिवें गल करदे कि कैंडीडेट्स ने भी लड्डू उन्होंने तोलदे ने कभी लड्डू उन्होंने तोलना असी क्योंकि अजे लड्डू बनाया साढ़े भी कैंडीडेट तोलने ने लड्डू बनाए हुए ने मोटी बूंदी के बनाए ने मोती चूर के लड्डू क्योंकि कुछ मीठा हो जाए जो भी ईद के बाद कोई खुशी का मौका तो कुछ लड्डू तो चाहिए ही नहीं लड्डू तो साढ़े बिकने बिकने ने जी जिन्हें भी कैंडीडेट जितने
ਉਹ ਲੱਡੂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਸੋਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਡੂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਡੂ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਡੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਔਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਰਡਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ 70 ਤੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰਡਰ ਬਹੁਤ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਸਕੀ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਵਧੇਰੀ ਆਫਿਸ ਟੂ ਡਾਟਾ ਚਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮੇ ਜੀ ਦਾ।